हेलो स्टूडेंट, माय चैनल स्नोच क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर पढ़ने से पहले आप जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें दो चर हो वही मेरा क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कहलाएगा, जैसे 4x, ये मेरा क्या है, चर राशि है। ये कौन सा राशि मेरा, इस चर राशि है, प्लस कुछ भी होना चाहिए जैसे y। ठीक है, इक्वल टू में जीरो होना जरूरी है, या तो फिर इक्वल टू में 4 होना जरूरी है, या तो जीरो इक्वल टू बात कुछ भी हो तो वह मेरा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो ये मेरा एक चर यहाँ हुआ, एक चर यहाँ पे हुआ। तो एक चर ए वाई, एक चर एक से, तो दूसरा चर क्या है, वाई है, तो मेरा वही कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब फिर इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये भी मेरा कहला सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आप अगर आप दोनों जगह अगर x है, जैसे हम 4x प्लस में 8x इक्वल टू 0, क्या ये मेरा कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरा एक ही चर है, ये आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, 8 4 12x इक्वल टू 0, ये वाला मेरा x, ये वाला मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहला। तो आप लोग बहुत अच्छा समझ गए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। नहीं समझे तो एक बार फिर एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कहलाएगा, ax प्लस 3ax इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही चर है, यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी चर, लेकिन एक ही चर है, इसीलिए मैंने क्या कहलाया, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाया। इसमें दो चर है इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाया। ठीक है, अब कोई दिक्कत, अब आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अफताब अपनी पुत्री से कहता है, अफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसे ग्राफी रूप में व्यक्त करना। ठीक है, इसको बनाने के बाद इसको ग्राफी रूप में आपको लाना है। देखिए, इसे ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, जिसको आपको पहले मानना पड़ेगा अफताब आयु इक्वल टू एक्स, अब पुत्री का आयु इक्वल टू वाई, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो चर वाले से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें से एक इशू, जो पहले रहेगा आफ्ताब रहेगा तो आफ्ताब को मानेंगे, अगर पुत्री रहता तो पहले पुत्री को मानते, लेकिन सबसे पहले कौन है, आफ्ताब है, तो उसी को मानना पड़ेगा एक्स। मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की आयु इक्वल टू कितना, एक्स, और पुत्री की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई। तो दो चर हो गया एक्स और वाई। ठीक है, अब इसमें बोलता है क्या, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, आप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। कब, 7 वर्ष पहले, अभी कब कहा है, अभी वर्तमान का है, 7 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ माइनस करेंगे, तो 7 7 पहले चल जाएंगे और इसका गुना कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस कितना, 7 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7, फिर इक्वल टू वाई, वाई माइनस 7। अब यहाँ पे क्या बोलता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किसमें चल जाएगा, 7 गुना पुत्री से कह रहा था ने, तो पुत्री में कर दी क्या, 7 गुना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है 7 गुना किधर करे, तो आपको एक आपको हम तो आपको एक तरीका बताते हैं, जो देखिए अभी दोनों में देखिए, यहाँ पुत्री है, ये इसका क्या है, पिताजी है, तो आयु किसका अधिक होगा, आयु किसका अधिक होना चाहिए, यानी कि पिताजी का अधिक आयु होना चाहिए और पुत्र का आयु क्या होना चाहिए, कम, तो कमी किसमें हो रहा, कमी इसमें हो रहा, पुत्री की आयु क्या हो रहा, कमी हो रहा, लेकिन ये क्या कहता है,
हमेशा ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू मतलब क्या, दोनों साइड बराबर। तो आयु इसमें कमी हो रहा है इसीलिए क्या हम करेंगे, इसमें सात से इंटू करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इसे इंटू करेंगे क्या देगा, सेवन वाई और माइनस में कितना, फोर्टी नाइन। फिर एक्स ए प्लस है तो माइनस में सेवेंटी सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन, ये माइनस से क्या गया प्लस में है सेवन। तो एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस में फोर्टी टू, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे देखिए आयु बता, आपसे तीन वर्ष बाद, अब क्या बोलता है आपसे तीन वर्ष बाद, यानी जो अभी क्या चल रहा है वर्तमान में, आपसे तीन वर्ष के बाद हो रहा, तीन वर्ष बाद तुमसे केवल तीन गुनी आयु कर रहा जाऊंगा। अब सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पे सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बनाएगी, यानी वर्तमान अभी वर्तमान, यानी कि क्या हो रहा है तीन वर्ष बाद, यानी कि एक्स प्लस थ्री, तो इसका भी कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस थ्री और यहाँ इक्वल टू। अब इसमें तीन गुना हो जाएगा, यानी कि कमी किसमें हो रहा, इसमें कमी हो रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे इक्वल बनाने के लिए इसको हम, क्योंकि क्या है पुत्री है, पुत्री का आयु कम होगा इसीलिए इक्वल बनाने के लिए पुत्री में हम तीन से इंटू कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से सोल्व कीजिए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू इससे इंटू करेंगे क्या देगा थ्री वाई और इससे इंटू करेंगे क्या देगा प्लस में थ्री थ्री जा नाइन। अब इधर सोल्व कीजिए, तो आप इसको क्या कीजिए समीकरण में बना दीजिए, एक्स ये अंदर कर लीजिए यानी कि प्लस है तो माइनस में थ्री वाई और इक्वल टू ये सर क्या बच गया प्लस में नाइन और ये अच्छा चाहती है तो इसको बाहर कर दिए प्लस से माइनस में कितना थ्री। तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू कितना जाएगा, नौ में से तीन गया छः, ठीक है। इस समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड। अब इसे ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, यानी एक सर्वाई का वैल्यू कम से कम दो बार आपको रखना पड़ेगा। तो समीकरण पहले फर्स्ट से निकालते हैं, लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस में कितना फोर्टी टू। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, अब यहाँ पे तीन को कॉलम बना दीजिए, ठीक है एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई क्या रखिएगा जो हटाने पे क्या आ जाएगा फोर्टी टू। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स में क्या रख देते हैं जीरो और वाई में क्या रखा आपको माइनस है ना फोर्टी टू लाना है, दोनों साइड बराबर आपको करना है। एक्स वाई अब क्या रखिए जो दोनों साइड क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी हम एक्स में क्या रख देते हैं जीरो, तो यहाँ माइनस का माइनस है, यहाँ पे आपको बयालीस लाने की सिर्फ कितना से करना पड़ेगा छह से बयालीस हो गया दोनों साइड बराबर। अब ये बराबर क्या रखिएगा जो फोर्टी टू माइनस में, तो आप यहाँ पर रख दिए क्या, यानी कि माइनस में आपको फोर्टी टू ने यानी सत्य सत्य उनचास, यानी कि कितना जाएगा अगर हम सेवन रखते हैं वाई का वैल्यू कितना रखते हैं हम सेवन, तो साथ साथ कितना हो जाएगा इंटू करने पे उनचास, उनचास परसेंट कितना घटा दे जो फोर्टी टू आ जाए यानी कि सात। तो एक सौ में कितना रख दे सात, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको बैक करके समझ लीजिए। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए भी दो को बॉक्स बना दिए, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई में क्या रखे जो क्या आ जाए प्लस में सिक्स आ जाए, यानी यहाँ पर हम क्या रखते हैं नाइन रखते हैं, ठीक है। एक्स में क्या रखते हैं हम नाइन, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा वाई में वन, तब तो नौ में से तीन चल जाएगा, यानी कि वन रखे वाई का वैल्यू तो थ्री बन जाए थ्री और नौ में से तीन गया तो छः, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ पे सिक्स रख दीजिए, एक्स में क्या रख दिया आप एक्स का वैल्यू सिक्स रख दिए और यहाँ पे क्या रख दिया वाई में जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको ग्राफ के रूप में देखें बनाते हैं इसे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, ठीक है ले लिए। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप दो लाइन बनाइएगा,
तो ये वाला मेरा कहलाता है एक्स डैश, इधर एक्स, ये वाई, ये मेरा कहलाता है वाई डैश। तो मिनिमम कहाँ तक है? एक्स में प्लस का साइड यानी नाइन तक है। तो इधर आप सबसे बड़ा लीजिए, माइनस में तो कोई है ही नहीं, तो माइनस में काम कीजिए, छोटा भी बनाइएगा तो चलेगा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस साइड नहीं है, बस इतना ही कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा मेरा y डैश। इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तक ले लीजिए, यहाँ एक दो दो तीन भी लीजिए चले, क्योंकि माइनस में साइड तो कोई है ही नहीं है। जो भी आपका वैल्यू माइनस सब प्लस में है ना, एक सवाई का वैल्यू, तो एक सवाई का वैल्यू जो भी आएगा प्लस वाला ही लीजिएगा। इसलिए एक वाई मिनिमम कहाँ तक है? सात तक है ना, तो सात तक लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पे एक दो तीन, दस, फिर इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब देखिए आप एक्स में क्या है? जीरो। यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, यहाँ हम लेते हैं जीरो। एक्स में क्या हो गया? जीरो। यहीं पे एक बार तो देखिए आपको ग्राफ कैसे बनाइए, ग्राफ बनाने के लिए एक बार एक्स का लेना है, एक बार वाई का लेना है, फिर दूसरा बार एक बार एक्स का लेना है, फिर दूसरा बार वाई का लेना है। तो हम पहले एक्स का लेते हैं, तो एक्स में क्या हो गया? जीरो यहीं पे आ गया, और वाई में क्या है? सिक्स। वाई का रेखा कौन है ये? तो आपका एक बड़ा पॉइंट बनाइए यहाँ पे, ठीक है, एक वो यहाँ पॉइंट बन गया। फिर सेवन सेवन, एक्स में सेवन वाई में भी सेवन, तो ये वाला देखिए कहाँ आ रहा, ये तो आपका यहीं पे आ गया, इसलिए मेरा बन गया, क्योंकि जीरो था तो जीरो से यहाँ आ गया, और अभी सेवन से ये सेवन यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आया। तो ये पॉइंट इसको स्केल से आप घींच लीजिए, ठीक है, जहां पॉइंट है वहां दर्शा दीजिए सेवन और सेवन, क्योंकि यहाँ पे सेवन से आना, यहाँ पे क्या था एक्स, यानी पहले क्या था? जीरो और सिक्स था ना, तो जीरो और सिक्स रखिए। अब आपका बन गया समीकरण सेकेंड वाला, लीजिए आप नाइन वन, एक्स का वैल्यू कितना लेना है? नाइन, और वाई का वैल्यू वन, यानी कि इसको डॉट डॉट ले सकते हैं, ठीक है, पता नहीं चलेगा तो। फिर आप एक्स का वैल्यू सिक्स और जीरो, यानी एक्स का वैल्यू सिक्स और जीरो यहीं पर रख दिया, ठीक है, तो इसको इससे क्या कीजिए? मिला दीजिए, बस यही आपका क्या ग्राफ बन गया, ठीक है। इसे बोला तो इसे ग्राफ के रूप में इसे ग्राफ के रूप में व्यक्त किए, फिर मेरे ग्राफ के रूप में व्यक्त होंगे, बस यहीं तक मेरा क्या हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में तीन बल्ले तथा छह गेंदे खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की दो गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी, इसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसी प्रकार बनाइए। तो पहले मान लीजिए, माना कि पहले कौन है? क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में तीन बल्ले, पहले क्या बल्ले तो मान लेते हैं, देखिए तीन बल्ले तथा छः गेंदे खरीदे, कितना में? 3,900 रुपये में, लेकिन हमको पता नहीं है कि बल्ले का दाम कितना है और गेंदे का दाम कितना है, तो इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य इक्वल टू एक्स और गेंदे का मूल इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपया में तीन बल्ले, के बल्ला तीन बल्ले, तो एक बल्ला का मूल क्या था? एक्स, तो तीन गो से करेंगे तो थ्री वाई, फिर प्लस, फिर छः गेंदे, एक गेंदे के दाम कितना था? वाई, तो छः गेंदा से करेंगे इंटू और इक्वल टू, इसको जोड़ने पे कितना दे देंगे हम पैसा? 3,900 रुपया, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉमन निकाल रहा तो निकाल दे रहे हैं ना, तो फिर यही हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाली, थ्री का टेबल में थ्री भी आता है, थ्री का टेबल में सिक्स भी आता है, तो थ्री थ्री कॉमन, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया? वाई, और प्लस तीन का टेबल पड़ी कितना बार में? सिक्स आ गया तो टू बार में, तो टू वाई इक्वल टू कितना? 3,900। अब तीन का टेबल में काट दिए, तीन का तीन एक बार में, तीन का छः तीन तीन और डबल जीरो, तो यहाँ पे y प्लस दो वाई
इक्वल टू 1300। इस समीकरण क्या बन गया फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड में देखिए तो लिखिए सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में, ठीक है बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार दो गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इसे एक ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। फिर उसने क्या किया एक बल्ले तो बल्ला में क्या है एक्स है तो एक तो छिप जाएगा सिर्फ एक से रहने दिए। फिर प्लस फिर दो गेंदे तो गेंदे में क्या है वाई है तो दो वाई और इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा पैसा टोटल 1300। इस समीकरण क्या हो गया सेकेंड क्योंकि यहाँ से कॉमा नहीं निकलेगा तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम हो गया एक्स प्लस अब यहाँ देखिए सेम टू सेम यहाँ एक्स नहीं यहाँ एक्स कर दिए जी वाई हो गया मिस्टेक से ठीक है सब जगह एक्स एक्स कर दी यहाँ। तो इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स का वैल्यू 2 होना चाहिए ठीक है और वाई का तो लिखिए यानी समीकरण कहाँ फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में क्या है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300। अब यहाँ पे एक्स और वाई में क्या रखिए जो कितना हो जाएगा 1300 हो जाए यानी कि रखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा तीन को कॉलम बनाइए यहाँ पे एक्स और वाई ठीक है तो अब एक्स और वाई में क्या रखें जो 1300 हो जाए जोड़ने पे और यहाँ पे इंटू कर देने पे तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं 500 रखते हैं तो 5 का 5 5 दूनी 10 वाई में कितना रखें अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं ये नहीं कि जो हम रखे हुए हैं आप जो भी रखिए लेकिन ग्राफ वही बनेगा जैसा हम बनाएंगे। y का वैल्यू कितना हो जा रहा है हम 500 रखे तो 5 दुनी के 10 तो यहाँ x में कितना रखना पड़ेगा हमको 300। अब अपने मन से आप रख दिए चलिए यहाँ पे कितना रख देते 400 तो 4 दुनी कितना हो जाएगा 800 यहाँ पर कितना रखें हम 400 तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 500 ठीक है तब तो हो जाएगा 4 दुनी 8 8 5 1300। अब फिर समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड में क्या है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कितना 1300। तो अब देखिए समीकरण सेकेंड में भी तो सेम डिफिनीशन तो आप ये वाला मत रखिए और कुछ और रख दीजिए ठीक है और ये भी रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे एक तरह आप बनाइए लाइन एक्स और वाई एक्स और वाई हम क्या रखिएगा जो यहाँ पे 1300 आ जाए यानी एक्स में हम रख देते हैं अभी हम 500 रखते हैं एक्स में तो ज़्यादा हो जाएगा ना चलिए 100 का वैल्यू यानी हम 500 और तो 8 तो 400 इसमें रखना पड़ेगा ना 4 दुनिया का 800 8 5 13 तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देते हैं 500 रखना पड़ेगा ना यहाँ 500 तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 400 तो 4 दुनिया 8 8 5 1300 हो जाएगा। अब रिया आप यहाँ पे कितना रख दें यानी कि तो यहाँ पर रखिए ना 3 दिन 600 यहाँ पर रख दिए ना आप 300 रखिए ना y का वैल्यू 300 तो 300 रखते थे 3 दुनी कितना हो जाएगा 600 तो 1300 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे 700 ठीक है। अब इसको ग्राफी रूप में बनाइए इसको आप स्क्रीन शॉट ले लिए हम इसको मिटा देते हैं इस साइड तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या कीजिएगा दो एक्स और वाई में देखिए माइनस में तो कोई है नहीं तो माइनस साइड वाला आप क्या कीजिएगा उतना बड़ा चीज नहीं बनाइए माइनस में छोटा बना दिए प्लस में थोड़ा सा बड़ा ही रहने दीजिए यहाँ पे मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 7 मिनिमम कहाँ तक है 700 तक है न एक्स का वैल्यू 7 तक है यानी कि यहाँ पे 100 200 300 यहाँ लीजिए 400 यहाँ 500 यहाँ लीजिए 600 यहाँ कर दिए 700 फिर y का वैल्यू मिनिमम 500 तक है तो ले लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा y ये हो जाएगा x इधर हो जाएगा माइनस वाई डैश इधर हो जाएगा x डैश इधर -100 -200 लीजिए या ना तो फिर नहीं भी ले सकते हैं खाली माइनस दर्शा दीजिए 200 ठीक है। अब यहाँ पे 100 200
300, यहाँ 400 कीजिए और यहाँ पे 500। अब बैठाइए, x में वैल्यू कितना है 300, y का वैल्यू कितना 500। तो x में हम देखिए x वाला लेंगे, इन्हें y भी जहाँ तहाँ आप मत लेके चलाइए। यहाँ x का वैल्यू 300 है, तो x का वैल्यू देखिए इधर लीजिए अब 300, और y का वैल्यू 500 ये वाला, तो यानी ये लाइन और 300 वाला यानी कि ये लाइन आपका ये, वो यहाँ पॉइंट बना, बड़ा सो बनाइए, फिर x का वैल्यू 500, फिर y का वैल्यू 400, 500 और 400 यहाँ पे आया। ये लाइन से एगो स्केल लेके यहाँ से खींच लीजिए, ठीक है, ये मेरा बन गया। फिर अब दूसरा समीकरण से लाइन खींचिए, यानी कि x का वैल्यू 500 है, x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 400, एगो मेरा यहीं पे आ गया। और एगो क्या है, x का वैल्यू 700, ठीक है, x का वैल्यू 700 और 300 यहीं पे आ गया, ठीक है। तो एक ही लाइन पे कट गया, ये मेरा संपाती रेखा कहलाता है, यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, किसी दिन 160 रुपये था, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सेब और अंगूर का दाम कितना कितना था, लेकिन दोनों का मान लेने पर कितना मांगता, वो 160 रुपया, तथा एक महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। तो इसे ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसे ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए आपको समीकरण बनाइए। तो समीकरण बनाने के लिए किसी को पहले आपको मानना पड़ेगा x और y, तो मान लेते हैं, माना कि पहले कौन है, सेब है, तो सेब मानिए, सेब का मूल्य इक्वल टू कितना, x, कितना 1 kg का, 1 kg सेब का मूल्य x, और 1 kg सेब का बाद कौन आएगा, अंगूर, अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा y। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार बनाइए, 2 kg सेब, यहाँ 1 kg का दाम है x, तो 2 kg कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 1 kg अंगूर कितना है y, और दोनों को जोड़ने पे कितना हो लेता है 160 रुपया। इफ कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो सब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए। फिर सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, एक महीना बाद 4 kg सेब, तो 4x और प्लस 2 kg अंगूर, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाता है, 300 रुपया। तो यहाँ से देखिए कॉमन निकाल रहा, तो निकाल दीजिए, 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 4 भी आता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x और प्लस सिर्फ यहाँ पे y इक्वल टू 300, तब तो होगा 2 × 4। अब यहाँ पे 2 का टेबल कितना बार में, 150 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। अब यहाँ पे समीकरण, अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाने के लिए x और y का वैल्यू पुट कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 160। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए डब्बा बनाइए, 3, 1, 2, 3, यहाँ x और y, x y में क्या रखिएगा, जो 160 आ जाए जोड़ने पे, तो यहाँ हम रख देते हैं 5, अगर यहाँ रख देते हैं 50, तो 50 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 100, तो x में कितना रखने हैं हम 50, तो हो गया कितना 100, तो y में कितना रखना पड़ेगा हमको 60, ठीक है। अब अपने मन से रखिए, चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं 60, ठीक है, x में कितना रखते हैं 60, तो 60 दूनी 120, और आपको कितना लाना है 160, 120 हुआ, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 40, ठीक है। इसी तरह आप समीकरण सेकेंड में बनाइए, समीकरण सेकेंड में क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 150। अब यहाँ पे फिर रखिए अपने मन से x और y का वैल्यू, जो मेरा 150 आ जाए, अपने कोई भी लीजिए नहीं आप, ठीक है, आप कोई भी मान रखिए ना x का। चलिए अपने रख देते हैं हम, यानी 50 रख देते हैं, x का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 दुनिया का 100, यानी कि 150 करने के लिए आपको 50 फिर y में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 7, यानी 70 रख दिए x का वैल्यू, तो 7 × 7 = 14, 70 × 140 हो जाएगा, तो y में कितना रखना पड़ेगा, 10 हो गया, ठीक है। अब इसे ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के लिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
इसको आप ग्राफ बनाने के लिए नेगेटिव में तो कोई है नहीं, तो इसको आप छोटा लीजिए नेगेटिव में, और पॉजिटिव में थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। तो मिनिमम एक्स का वैल्यू 70 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बस यहाँ कितना तक है, वाई का वैल्यू 40 50 10 20 30 40 50, यहाँ पे वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई डैश, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, इधर दो तक ले लिए ना, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पे 10 20 30 40 और 50, यहाँ -10 -20 -10 और -20। अब लीजिए एक्स में कितना है 50, तो एक्स का वैल्यू में देखिए है ना, एक्स में ये यहाँ पे 50, और वाई में कितना है ये देखिए, वाई वाई में 60, 50 और 60, वाई का वैल्यू 60 तक है, तो हम बढ़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 60, एक्स में वैल्यू 50 और वाई में कितना गया 60, तो ये यहाँ और ये, अपना स्केल से कीजिएगा आपका सही जाएगा, ठीक है, ये आपका ये पॉइंट बना। फिर एक्स का वैल्यू कितना हम लेंगे 60 और वाई का वैल्यू 40, एक्स का वैल्यू में 60 और वाई का वैल्यू में 40, ये आपका यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट क्या कीजिए, अपना स्केल से खींच लीजिए इस तरह, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा आप, समीकरण फर्स्ट का तो हो गया, समीकरण सेकंड से बनाए, एक्स का वैल्यू 50, तो एक्स का वैल्यू 50 और वाई का वैल्यू भी 50 आया रे, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा देखिए, और फिर वाई का भी, एक्स का वैल्यू 70 और वाई का वैल्यू 10, ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, ये बोला आगे चल जाएगा, यानी क्या किया यहाँ पे प्रतिच्छेद ही होगा। आप कोई भी मान रखिएगा तो देखिएगा, आप कोई भी मान रखिएगा तो आपका प्रतिच्छेद ही करेगा दो रेखाएं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखिए, ठीक है, धन्यवाद।